दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आजादी की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर पठानकोट में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में जेल मंत्री पंजाब सोहन सिंह ठंडल ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर झंडा फहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर पठानकोट के गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बच्चों में स्वतंत्रता दिवस के गाने गाए गए। इस अवसर पर विधायक अश्विनी शर्मा सहित अन्य शहरवासी भी मौजूद थे। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। अज दे इस बहुत ही खुशी दे मौके ते मैं सारे पंजाब वासियों नूं सारे देश वासियों नूं 69वें आजादी दिवस ते लखां बधाई दिंदा और अज सारा ही भारत वर्ष बड़े खुशी दे नाल दिन नूं मना रहा। और जिथे असीं इस दिन नूं मनाउने आ उत्थे हमेशा उन्हां शहीदां नूं उन्हां कुरबानियां करन वालियां नूं याद करदे आ, शरधा दे फुल भेट करदे आ जिन्हां दी बहुत वड्डी कुरबानी संघर्ष तों बाद देश आजाद होया। इस मौके ते मैं अपने सारे पंजाबी भरावां नूं बेनती करनी चाहना कि अज भी जिथे असी ये दिन मना रहे हैं उत्थे अपने देश दे अंदर अपने सूबे दे अंदर बहुत सारिया अंदरूनी ते बाहरी ताकतां जिहड़ियां आ उह साडे वास्ते भैपीत सानू कर रही हैं। सानू हमेशा सचेत रहण दी लोड़ है। सानू एकजुट हो के जिहड़ियां बाहरली ताकतां ने देश में जो मुड़ के फिर अत्तवाद फैलाउणा चाहुंदियां जां देश नूं नशियां वाले पासे झोकना चाहुंदियां जां गड़बड़ पैदा करनियां चाहुंदियां उहनां नूं सचेत रहण दी लोड़ आ। आपां सारे एकजुट हो के अपने देश की रखी करिए, अपने देश को अगाह लेके जाने लई सारे अपना योगदान पाइए ताकि अपना देश दुनिया के अज्ज दे समें दे विच उन्हां दा मुकाबला कर सके।